नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरोना वायरस से। कोरोना के इस खतरनाक फेस की ना ही जनता को उम्मीद थी ना ही सरकारों को। ये तो भला हो वैक्सीन बनाने वालों का, जिनकी मेहनत से आज सरकार की नाक और जनता की जान बच रही है। राजधानी दिल्ली में खतरा बढ़ा तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है कि नई गाइडलाइंस जारी की है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। कोरोना की वैक्सीन का काम शुरुआती चरण में तो धीरे धीरे चल रहा था। नेताओं को खुद वैक्सीन लगवाकर इसे सामान्य दिखाने की कोशिश तक करनी पड़ी। टीका आया तो लोगों ने जमकर लापरवाही करनी शुरू कर दी। ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, ना ही मास्क लगाने को लोग जरूरी समझने लगे। लेकिन कोरोना का वायरस लापरवाह नहीं हुआ, उसने फिर से लापरवाह हुए दिल्ली वालों को जकड़ना शुरू कर दिया। अगर कल की ही बात करें तो दिल्ली में 5500 से ज्यादा कोरोना मरीज आए और 20 की मौत हो गई। परेशानी बढ़ी तो दिल्ली हाई कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ा, कुछ गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि कार के अंदर मास्क पहनना क्यों जरूरी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि कार एक पब्लिक प्लेस है और कार के अंदर मास्क पहनना जरूरी है। साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि भले ही किसी को कोरोना का वैक्सीन लग गया हो, उसके बाद भी उसे मास्क पहनना है, सैनिटाइजिंग का इस्तेमाल करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना है। तीसरी बात में उन्होंने केजरीवाल सरकार द्वारा बिना मास्क पहने हुए लोगों के चालान करने के फैसले को बरकरार रखा है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगने का असर शाम से ही दिखना शुरू हो जाता है। रात 10 बजे लगने वाले कर्फ्यू से पहले ही सड़कें सुनसान होने लगती हैं। बीती रात 220 लोगों पर कर्फ्यू उल्लंघन करने का मामला दर्ज हो गया। इधर हर अस्पताल में टीका लगाने का काम रात को भी जारी कर दिया गया है। अस्पतालों में कोविड मरीजों के बेड बढ़ा दिए गए हैं। हालात ये हो रहे हैं कि शमशान में भी चिताएं रिजर्व करवाई जा रही हैं। अब बात करते हैं देश के बाकी हिस्सों की। जी हाँ, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी हालत खतरनाक है। पंजाब भी इससे अछूता नहीं है। कोरोना का खतरा केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि कई और राज्य भी इससे प्रभावित है। हम बात कर सकते हैं मध्य प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की और पंजाब की। जी हाँ, इन तीनों राज्यों में हालात बहुत ज्यादा खराब है। मध्य प्रदेश और पंजाब में दिल्ली की तरह ही नाइट कर्फ्यू लग चुका है और मध्य प्रदेश ने केंद्र से ये रिक्वेस्ट की है कि उनके पास केवल 3 दिन का टीका बचा है, उनकी मदद की जाए और वैक्सीन वहाँ प्रोवाइड करवाई जाए। वायरस अपना काम कर रहा है तो सरकार अपने प्रयासों को गिनाने में लगी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि ये कर्फ्यू कुछ ही वक्त के लिए है और इससे ऑटो टैक्सीज आदि पर रोक नहीं है, लेकिन अकेली दिल्ली में एक दिन में 506 कंटेंट जोन बनाने से चिंता बड़ी है। हम तो यही कहेंगे, नियमों का पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी रखें। दिल्ली से आशा शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।